हेलो व्यूअर्स, वाईफाई स्टडी पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील सर और लेकर के आया एक बहुत ही खूबसूरत सेशन आपके लिए एट, ऑन और इन प्रीपोजिशन के साथ में, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया तरस जाती है। दोस्तों, जरा सा प्लीज थोड़ा सा अगर टेक्निकली चीजों को समझेंगे तो आपको पता लगेगा एट और इन कितना आसान है। हम सारी जिंदगी दुविधा में पड़े, तकरीबन 22 से 24 साल की हमारी उम्र हो गई और अब तक 22 से 24 साल की उम्र में हमको एट, इन और ऑन के बीच में आज भी क्या है दोस्तों, कंफ्यूजन है। वाईफाई स्टडी पे मैं ये स्पेशल सेशन आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सी डिमांड आई थी मेरे पास। बेसिकली आप में से कई लोग मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम सुनील सर है, सुनील रुलानिया सर। पिछले 30 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, 55,000 से ऊपर मेरे सिलेक्शन है ऑन एन एवरेज। और मैं आपको बता दूं कि 2 रुपये 70 पैसे की किताब से मैं इंग्लिश पढ़ गया हूँ, सिर्फ 2 रुपये 70 की किताब से इंग्लिश पढ़ गया हूँ, जिसे मेरे फादर ने मेरे लिए 1974 में परचेस किया था मेरे लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं यूट्यूब या फेसबुक से इंग्लिश पढ़ के नहीं आया हूँ। आई हैव बीन ए स्कॉलर थ्रू आउट माई लाइफ एंड आई शेल कंटिन्यू टू बी ए स्कॉलर थ्रू आउट माई लाइफ, यू नो। तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको इतना बता दूंगा कि बीच में मैंने, चूंकि कंटिन्यूएशन मेरा जो था इंग्लिश लैंग्वेज में वो इतना रेगुलर नहीं था, क्योंकि यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शायद मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मुझे आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और इक्विपमेंट हैं उनका मुझे यूज करना नहीं आता था। लेकिन मुझे वाईफाई स्टडी ने बहुत बहुत ज्यादा एनकरेज किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। लेट्स कम टू द पॉइंट दोस्तों, जब हम एट एंड ऑन की बात करेंगे तो आपको एक पैचीज थोड़ी सी एक बात बता दूं, अनअकैडमी पे जो प्लस सब्सक्रिप्शन है आपका, अनअकैडमी प्लस, उस पर मेरा एक कोड अगर आप डालेंगे नील टेन, जो कि मेरा नाम है सुनील का शॉर्ट नील टेन, उस पर आप डालेंगे तो आपको 10% का एक बहुत शानदार ऑफर मिलेगा। 3 मंथ, 6 मंथ या 9 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, सॉरी, जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसे आप इसमें यूज कर सकते हैं। आज हम आपके सामने क्या पढ़ रहे हैं, प्रेपोजिशन, राइट। तो प्रेपोजिशन जैसे हम पढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं सुनील सर वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे पढ़ाता हूँ, तो वहां मेरी, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपके कोई भी भाई बहन दोस्त रिश्तेदार, आपके मित्र सखा कजिन फ्रेंड जो भी हैं, वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पे, एयरफोर्स नेवी पे मैं 11 बजे आता हूँ, उसके बाद मैं एनडीए एफकेट और एनए के एग्जाम पे 4 बजे आ जाता हूँ दोबारा से, और फिर सीडीएस पे जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उस पर मैं आपको रात को 9 बजे आता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको बहुत खुशी होगी जानकर कि वाईफाई स्टडी का जो लाइव टेस्ट चलता है उसमें स्टेनो से लेकर के स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी से लेकर के सीएचएसएल जो आपके एसएससी कमांड करवाती है, सीजीएल, सीपीओएसआई और जितने भी दुनिया में डिफेंस के एग्जाम हिंदुस्तान की सरहद में हिंदुस्तान के कमीशन या बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं, उन सबका लाइव टेस्ट मैं आपको शाम को 5:30 बजे क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन विद टाइमर और टिकर, 20 सेकंड का टाइमर और टिकर चलता है और वहां मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ। तो आप प्लीज इन चैनल पे नजर रखना, वाईफाई स्टडी डिफेंस पे, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे, 11 बजे, 4 बजे, 9 बजे रात को और शाम को 5:30 बजे। मैं आपको सुनील रोनानिया सर, ये मेरा नाम है, बेसिकली 30 साल से मैं सुनील सर के नाम से ही जाना जाता हूँ, और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट स्टाइल में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीपोजिशन ऑन, एट और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों देखिए, ये एट ऑन इन है, इसमें आपको एक छोटी सी चीज मैं सिखा दूं। एट जो है, इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको एक चीज महसूस होगी सहज लैंग्वेज में, अगर आपको मैं बताऊं किसी एक बहुत बेसिक पैटर्न की तरह यूज करते हुए, तो आपको इसमें एक छोटी सी चीज दिखाई देगी, वो ये है कि एट का प्रयोग जो किया जा रहा है वो बहुत ही लेस लेस वॉल्यूम के लिए किया जा रहा है। देख रहे हैं आप, एट का परसेंटेज मार्जिन कितना है, एट का परसेंटेज मार्जिन है इंग्लिश यूजेस लैंग्वेज में 15% के केवल। तो अगर आप इसको देखेंगे ट्रायंगल को, पिरामिड की उसकी शेप में, तो आपको पता चलेगा फिर ऑन का मार्जिन कितना हो गया, ऑन का मार्जिन तकरीबन 35% हो गया यूटिलिटी के हिसाब से, और इसका मार्जिन जो है, इसका जबरदस्त मार्जिन है ये, ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं 50% के ऊपर इसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप इसे बेस मानते हैं तो। एन इन जो है वो मोस्टली 50%, ऑन का वॉल्यूम जो है वो 30% और एट का वॉल्यूम बहुत ही कम, लेकिन 15% के दायरे में यूज किया जाता है। जैसे जैसे ऊपर चलेंगे आप देख रहे हैं स्पेस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है,
दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं कि अगर सारे दिन में अगर आप डेली अगर 5000 वर्ड इंग्लिश के अगर आपने बोले तो इन उसमें 50% होगा, ऑन उसमें 35% होगा, और एट का यूज आप बहुत ही रेयरली करोगे। लेकिन दिक्कत क्या है, एट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, पॉइंट, जब आपका टाइम बहुत ही स्पेसिफिक और टू द पॉइंट हो जाता है तो आप किसका यूज करते हो, एट का यूज करते हो। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वाईफाई स्टडी पे मैं आपको ये दे रहा हूं, आप इसको बहुत टेक्निकली समझ जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको शुरू से अगर वर्ड को पढ़ाऊं, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम, मास्टरिंग का मतलब होता है मजबूत करना, तगड़ा बनना या अपने आप को समेट लेना उस चीज में। इंग्लिश प्रीपोजिशंस कैन बी चैलेंजिंग, ऑफकोर्स चैलेंजिंग है। यस, दीज लिटिल वर्ड्स पॉपअप का मतलब आप भटकते हैं एवरीवेयर व्हेन यू स्पीक एंड राइट, सो वी हैव टू लर्न हाउ टू यूज देम। पॉपअप का आपको मतलब पता ही है, पॉपअप आपकी लाइफ में भी बहुत बार आता होगा, जब हम चीजों को पॉपअप करते हैं इसका मतलब ये है कि आ भटक, पॉपअप यानी कि अचानक से आप प्रकट होते हैं, ये कौन, प्रीपोजिशंस, एनी टाइम। सो वी हैव टू लर्न देम हाउ टू यूज देम, वी हैव टू लर्न हाउ टू यूज देम। एंड थ्री ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, एट, ऑन एंड इन, इनको हम जैसे आपको ट्रिक समझाएंगे, यू हैव टू फॉलो सर्टन बेसिक रूल्स। तो आपको कुछ बेसिक रूल्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन रिमेंबर, आप बड़ी आसानी से उनको याद कर सकते हो, देम मोर इजीली। यहां देखिए मोर क्या है, यहां देखिएगा मोर जो है इजीली जो है एडवर्ब, इसको कंपेयर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस एट, ऑन, और ये जो आपका इन ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को आप बहुत इजीली मास्टर कर सकते हैं अगर आपने वर्ड को देखा। मैं कुछ आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन में आपको इसके ड्रिल्स दूंगा, एक बार आप मेरे साथ मुंह जवानी चैनल में बोलते रहेंगे, जब आप व्यू करेंगे इसको सेशन को या इवेंट को, जब भी आप इसको लाइव या स्ट्रीमिंग में पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, दोबारा से आप इस चीज को दोबारा से एक बार मेरी तरफ से देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा और वाइड एंड क्लियर चीजें महसूस होनी हो जाएगी। लाइक द टॉप ऑफ द ट्रायंगल, लाइक द टॉप ऑफ द ट्रायंगल, ये टॉप है ट्रायंगल का, तो लाइक द टॉप ऑफ द ट्रायंगल, एट रेफर्स टू वेरी नैरो स्पेसिफिक टाइम। एट का प्रयोग किस में करते हैं दोस्तों, हम एट का प्रयोग बहुत ही नैरो या स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि 4:30 बजे, 7 बजे, तो ये टाइम जो है लिमिटेड बहुत ही क्या होती है, एकदम सटीक होती है, नैरो और बहुत स्पेसिफिक मतलब सटीक, यानी कि समय के एग्जैक्ट पॉइंट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का। लेकिन लाइक द मिडिल ऑफ द ट्रायंगल, अब आप मिडिल ऑफ द ट्रायंगल देखिए, ऑन जो होता है, ये देखिए आप, ये जो आपका ऑन है, ऑन का यूज क्या कर रहे हैं हम, ऑन रेफर्स टू ए स्लाइटली ब्रॉडर, टू ए स्लाइटली ब्रॉडर, तो ये एट से क्या होता है, थोड़ा सा ब्रॉडर, यानी कि एट के मुकाबले थोड़ा सा ही विशाल होता है, ज्यादा बड़ा होता है टाइम ऑफ वन डे, या तो ये वन डे कंप्लीट डे के लिए होता है, या वन डेट या पर्टिकुलर एक डेट के लिए आता है, या एक पर्टिकुलर दिन के लिए आता है, और सच एज जैसे मान लो कि आपने संडे ले लिया या May 22 ले लिया, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए किया जाता है। और थर्ड में जैसे ही चलेंगे, लाइक द बेस ऑफ ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का जो बेस देख रहे हैं आप, प्लीज ये वाला बेस देख लीजिए आप, लोअर बॉटम, ये जो नीचे वाला हिस्सा है किसका, इन वाला, ये इन किस में है, ये बेस में है आपके, तो इनका जो बेस देख रहा है, ये सबसे ब्रॉडर व्यूज में आता है, और इट रेफर्स टू द वाइडेस्ट टाइम ऑफ पीरियड, और इंग्लिश में कहते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम पीरियड का जो रेंज बाउंड यूज होता है वो किसके साथ होता है, इनके साथ होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, पूरे मंथ के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो, पूरे ईयर के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो, पूरे सीजन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो, पूरे डेकेड के लिए प्रयोग कर सकते हो, दिया हुआ नहीं आपको मैं बता दूं, इसमें आप पूरी सेंचुरी जो होती है ना, सेंचुरी, उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हो, एंड सो ऑन, और ऐसे ही आप इसका रेगुलर यूज कर सकते हो। चलिए अगर इसको हम अगर ट्रायंगल को ले सकते हैं, इसी ट्रायंगल को अगर आप ब्रॉड व्यू में देखेंगे तो आपको समझ में पता चल जाएगा, फिर से मैं इस ट्रायंगल को रेफर कर रहा हूं, तो आप अगर उसको थोड़ा सा अगर समझें तो एट नैरो, वेरी नैरो स्पेस ऑफ टाइम, बहुत कम, ऑन मिडिल स्पेस ऑफ टाइम, जो ना नैरो हो ना बहुत ज्यादा वाइड हो, और इन इन जो है बहुत वाइड स्पेस ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप समरी ऑफ दीज यूज अलोंग विद सेवरल कॉमनली यूज्ड एक्सेप्शंस एंड एक्सप्रेशंस गिवन, मास्टर एट, एट, ऑन, इन, ये आप इसमें आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, मास्टरिंग कर सकते हैं। अगर थोड़े से एक्सेप्शन को अगर आप छोड़ दें, जो कि मैं आपको सिखा दूंगा, तो एट, ऑन, इन के साथ में आप इस ट्रायंगल मेथड से ही क्या कर सकते हैं, मास्टरी कर सकते हैं। बस आपको एक पता होना चाहिए कि मेरा एक ट्रायंगल मेथड जो है,
ये नैरो में है, मिडिल में है, या बहुत ही वाइड स्कोप में है, ताकि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए कि आप इन प्रपोजिशंस को कैसे यूज करेंगे। तो आगे मैं आपको एक स्लाइड प्रेजेंटेशन दूंगा, तो उस स्लाइड प्रेजेंटेशन में आप क्या करेंगे, उस स्लाइड की हेल्प से आप उसको लर्न करेंगे और लर्न करके उसको जॉट डाउन, इंग्लिश में एक वर्ड है दोस्तों जॉट डाउन, जरूरत पड़े तो हम उसको किसी कॉपी में फेयर करके 5-5 बार अगर एक एक वर्ड को अपने मुंह से बोलेंगे, जिंदगी में आप कभी प्रीपोजिशन नहीं बोलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको एक छोटी सी चीज मैं रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहता हूं, अगर आप सुन सकते हैं तो। होता क्या है कि कुछ लोग जिनकी उम्र 25 साल है, उनको आप ही लोगों ने आपकी दया से रहमत से वो YouTube पे इंग्लिश चैनल के बॉस बन गए हैं, जिनकी उम्र मात्र 25 साल है। किसने बनाया उन्हें, उनकी काबिलियत से ज्यादा आप लोगों का सहयोग है। मैंने 30 साल इंग्लिश पढ़ा दी, 30 ईयर्स, 30 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, और 24 24 साल के लड़के जो वो YouTube पे बॉस बने हुए हैं। किसने बनाया, उन्होंने खुद को नहीं, आपने बनाया है। यू आर द फोर्स बिहाइंड मेकिंग देम अ किंग, एंड देयर एग्जिस्टेंस सिंपली कम्स इनटू यू नो एक्चुअलिटी, इट इज ऑल बिकॉज यू आर द पीपल हु मेड हिम बिकम सो। तो आपका ये फर्ज है कि आप उनके साथ साथ उन लोगों को भी मौका दें और उन लोगों की अहमियत भी समझें जो लेट आए YouTube चैनल पर, भले ही लेट आए होंगे मजबूरी से, या टेक्निकल नो हाउ नहीं था, या जिनके पास सपोर्ट नहीं था इंटरनेट का या YouTube का, जो आपका बेसिक जो डिजिटल एप्लीकेशन होता है, लेकिन वो देर सवेर आए। तो अब आपका फर्ज है कि आप उनको भी पूरा टाइम एंड स्पेस दें। थैंक यू वेरी मच। आइए चलते हैं दोस्तों, इधर चलना देखिए, ऊपर सबसे पहले देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए हम एट की बात कर रहे हैं। एट का पहला यूज स्पेसिफिक टाइम, दूसरे शब्दों में मैं कहता हूं आपसे कि पर्टिकुलर जो आपका टाइम है, जो कि आपका फिक्स टाइम है, या दूसरे शब्दों में जो कि आपका वॉच टाइम है, राइट, उसके साथ आप किसका प्रयोग करते हैं, किसका स्पेसिफिक टाइम, पर्टिकुलर टाइम, वॉच टाइम के साथ में एट का। एक्सप्रेशन जो होते हैं, एक्सप्रेशन कैसे, टाइम एक्सप्रेशन, जो टाइम एक्सप्रेशन होते हैं उनके साथ भी आप किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, बोलिए मेरे साथ, एट का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं टाइम एक्सप्रेशन के साथ, एट का प्रयोग करते हैं, और इसको मैं साबित करूंगा कैसे। जैसे कि आपने बोला एट 5:30, ठीक है, फिर आपने बोला एट 12:30, फिर आपने बोला एट नून, फिर आपने बोला एट नाइट, फिर आपने बोला एट द मोमेंट, फिर आपने क्या बोला एट द सेम टाइम, फिर आपने क्या बोला एट दिस टाइम, दिस का अपोजिट क्या हो गया पास्ट टेंस में दैट, और फिर कभी आपने बोला एट सम पॉइंट, मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा एट सम पॉइंट, फिर कभी बोला आपने एट एनी टाइम, फिर बोला एट सनसेट, सनराइज, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, एट सपर टाइम, और एक आपके आ गया एट क्या आ गया नाइट, एम आई राइट। तो इस पैटर्न को अगर आप टेक्निकली थोड़ा सा और ब्रॉड व्यू में लेके चलें, तो आई सपोज कि मैं आपको एक छोटी सी चीज इसमें क्लियर कर दूंगा, राइट, इतनी काबिलियत है मेरी, हम इसमें चलते हैं। आप मेरे साथ बोलेंगे सी यू एट 5:30, क्यों, क्योंकि 5:30 एग्जैक्ट है, तो एट द मीटिंग स्टार्ट्स एट 12:30 एग्जैक्ट टाइम है, वी सर्व लंच एट नून, क्योंकि नून स्पेसिफिक टाइम है, एट मिडनाइट स्पेसिफिक टाइम है, शी इज बिजी एट द मोमेंट, है ना, बोथ फ्लाइट्स अराइव एट द सेम टाइम, सेम टाइम एक्सप्रेशन है, वी हैव नो पोजीशंस अवेलेबल, वी हैव नो पोजीशंस अवेलेबल एट दिस टाइम, और दैट टाइम के लिए वो आपको पता ही होगा एट दैट टाइम दे वर इन रोम। दोस्तों यहां एक और चीज दिखा सकता हूं, यहां वर क्यों आया, आर क्यों नहीं आया, वर क्यों आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में एक नियम है कि जब भी आपका एडजेक्टिव जो है, जो आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका, जिसको कि दैट कहते हैं, वो अगर होता है तो आपकी वर्ब पास्ट टेंस में आती है, और अगर यहां ऐसा ना करे खुदा कि अगर यहां एट दिस टाइम होता तो यहां आ जाता दे आर इन रोम। मैं सुनील सर हूं, मेरे साथ आप एट इन ऑन का एक बहुत छोटा सा एक सेशन देख रहे हैं इस इवेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपका दिल कहे तो। मैं दुआ फरियाद नहीं करूंगा आपसे, अगर आपको लगता है कि आप 24 साल के बंदे को जिसने 6 महीने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाया और सीधा यूट्यूब पे आ गया और उसको आपने स्टार बना दिया, तो उस बंदे को जिसने माँ सरस्वती के साथ मिलकर के 30 साल इस दुनिया को दिया है, 30 साल इस देश को जिसने दिया है, और जिसने 55,000 से ज्यादा घरों में रोशन किया है, उनकी खुशियों को जो है
पंख लगाए हैं, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अदरवाइज आपकी मर्जी। एट सम पॉइंट ही विल कंप्लीट हिज पीएचडी, उसकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी एट सम पॉइंट, जिसको हम कहते हैं देर सवेर। तो सम पॉइंट दोस्तों, वैसे भी मैं आपको बताऊं, पॉइंट के साथ में हमेशा आपको एट लेना ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। डोंट कॉल माई सेल एट एनी टाइम, हर वक्त, एनी टाइम समटाइम का ही रूप है, इसमें भी एट आ गया। द एयर इज सो क्लीन एट सनराइज, दोस्तों आपको बताया सनराइज और सनसेट से पहले एट का प्रयोग होता है। और एक चीज और सुन लें आप मेरे साथ, मैं आपको बहुत सी चीजें सिखा सकता हूं, सनसेट और सनराइज के पहले द का प्रयोग कभी न करें, ये इंग्लिश में बहुत बड़ी एरर है, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट के साथ में द का प्रयोग नहीं होता है। द कैफे वॉज क्राउडेड एट लंच टाइम और वी विल डिस्कस इट एट डिनर टाइम एंड ज्वाइन अस एट सपर टाइम एंड जैक जो है कॉल्ड एट नाइट, जैक ने मुझे रात को फोन किया। तो नाइट, सपर टाइम, डिनर टाइम, लंच टाइम, ये चारों जो एक्सप्रेशन है टाइम के एग्जैक्ट, सनसेट और सनराइज ये भी एग्जैक्ट है पॉइंट एक्सप्रेशन में, और मिडनाइट मोमेंट, नून और 12:30, 5:30 जो है ये स्पेसिफिक टाइम रेशियो है। इनके साथ आपको किसका प्रयोग करना है दोस्तों, एट का प्रयोग करना है। आगे चलेंगे अब हमारा थोड़ा सा चेंज होगा, एग्जैक्टली इंक चेंज होगी, क्यों, क्योंकि स्लाइड चेंज हो रही है। हम आपको लेके चलते हैं एक पॉइंट में जिसका नाम है दोस्तों इन, कौन सा वर्ड है दोस्तों इन, इन का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, एक वन पर्टिकुलर डे या वन पर्टिकुलर डेट के साथ में आपको किसका प्रयोग करना है, ऑन का ऑन मंडे, दैट विल साउंड अ बिट यू नो डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट दैट, चलिए कोई नहीं, हम इसमें थोड़ा सा डीपली इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे इंक सेट के साथ में, द कंसर्ट इज ऑन फ्राइडे, द कंसर्ट इज ऑन फ्राइडे, दिख गया होगा क्यों, एग्जैक्ट है। आई एम सीइंग माय डेंटिस्ट ऑन मे टेंथ भी क्या है, एग्जैक्ट है। वन डेट या वन डे, डे तो हो गया संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, और डेट हो गई फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 28, 29, 30, 31। तो डे एंड डेट जो होती है फिक्स, डे एंड डेट, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ऑन का प्रयोग करते हैं। माय योगा क्लास इज ऑन ट्यूजडेज, ये भी एक स्पेसिफिक डे है, सप्ताह में एक दिन चाहे लेकिन हर मंगलवार को, तो ये भी फिक्स है, वन डे है, पर्टिकुलर डे है। आई लव वॉचिंग द फायरवर्क्स ऑन इंडिपेंडेंस डे, है ना, इंडिपेंडेंस डे। अब यहां क्या हुआ दोस्तों, ये जो लाइफ में आपके रिपीटेटिव डेज आते हैं ना, जो हर साल एक बार रिपीट हो के आते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, जैसे रिपब्लिक डे, जैसे आपका बर्थडे, जैसे किसी की एनिवर्सरी, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, साल में एक बार घूम घूम करके जो रिपीट होके आते हैं उनके लिए किसका, ऑन का। व्हाट डिड यू डू ऑन योर बर्थडे, वर्ड देख रहे आप, व्हाट डिड यू डू ऑन योर बर्थडे, व्हाट डिड यू डू ऑन योर बर्थडे, ही गेव हर अ गोल्ड नेकलेस, ऑन, इसमें भी क्या है ऑन योर बर्थडे, इसमें भी क्या है ऑन देयर एनिवर्सरी, क्यों, साल में एक बार घूम के आया, रिपीट हो के आया हर साल, तो ऑन का। डू वी हैव ए क्लास ऑन मंडे मॉर्निंग, ये भी मंडे, सप्ताह में एक दिन रिपीट हो गया है। अब ये क्या हुआ है, ये क्यों हुआ, उसके लिए मैं आपको टीचिंग पॉइंट सिखाता हूं। देखो कोई भी एक डे होगा, डे जैसे मंडे संडे, और डे के साथ में फिर आप क्या दोगे, टाइम दे दोगे, जैसे मंडे इवनिंग, नीचे फिर से लिख देता हूं, सैटरडे आफ्टरनून, मंडे मॉर्निंग, मंडे इवनिंग, सैटरडे आफ्टरनून, तो डे के साथ में टाइम आ जाएगा, तब भी किसका प्रयोग करोगे आप दोस्तों, बोलो ऑन का, किसका, ऑन का, किसका, ऑन का। नेक्स्ट में चलेंगे स्लाइड को सीखने की, वैसे दोस्तों क्या होता है, जो बॉक्स टीचिंग होती है, जो ब्रिज टीचिंग होती है, जो पिनेकल टीचिंग होती है, जो ट्रेपेजियम टीचिंग होती है, और जो पिरामिड टीचिंग लिस्टेड होती है, उससे क्या होता है, हिंदी भाषी इलाके के लोगों को समझना बहुत आसान होता है। तो डू वी हैव ए क्लास ऑन मंडे मॉर्निंग, जैसे आपने बोला डू वी हैव ए क्लास ऑन मंडे मॉर्निंग, क्या हुआ इसका, वी लास्ट स्पोक ऑन ट्यूजडे आफ्टरनून, तो मंडे मॉर्निंग में मंडे तो हो गया डे और मॉर्निंग क्या हो गया टाइम, तो टाइम हमेशा डे के बाद जाती है, प्रीपोजिशन क्या गया ऑन, वी लास्ट स्पोक ऑन ट्यूजडे, डे हो गया आफ्टरनून, क्या हो गया आफ्टरनून के साथ टाइम ऑफ द डे हो गया। फिर ऐसे इसमें आया फ्राइडे इवनिंग, तो फ्राइडे प्लस इवनिंग दोस्तों, अगर क्या होता फ्राइडे नहीं होता तो इन द इवनिंग होता, फ्राइडे होता तो इन द इवनिंग होता, लेकिन फ्राइडे नहीं है, फ्राइडे के साथ इवनिंग है, तो
तो ये ऑन फ्राइडे इवनिंग वी यूजली गो आउट फॉर डिनर, वेयर डिड यू गो ऑन थर्सडे नाइट? थर्सडे नाइट, दोस्तों नाइट से पहले आपको पता है क्या आता है, एट आता है, लेकिन नाइट से पहले कभी कभी क्या आता है, ऑन भी आ सकता है। आपको अगर मैं पीछे लेके चलूं तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल दिखाता हूं, आप समझ जाओगे, ठीक है? प्लीज आप देखिए मेरे साथ तो आपको समझाता हूं। इधर आइए आप, लाइक अ वेरी कमिटेड स्टूडेंट, राइट? माई डैड डजंट स्मोक, माई डैड डजंट स्मोक डैश नाइट, राइट? रात को मेरे पापा स्मोक नहीं करते हैं, क्या आएगा दोस्तों आग मींच के बोलिए, एट नाइट आएगा, एम आई राइट? लेकिन अब इस नाइट को अगर मैं किसी टाइम इवेंट के साथ में फर्दर डिसवेड कर दूं तो क्या होगा? आप एक क्वेश्चन दीजिए, द पुलिस वॉन्टेड टू नो, देखिए कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, सारे दिमाग से बना। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल मेंस में 2015-16 के आसपास। द पुलिस वॉन्टेड टू नो वेयर आई वॉज, पुलिस मुझसे जानना चाहती थी मैं कहां था, डैश फिर से वर्ड आ गया, नाइट ऑफ मर्डर, नाइट ऑफ मर्डर फुल स्टॉप। दो चीज सिखा के जाऊंगा दोस्तों इसमें, सुनील सर के साथ में आप वाईफाई स्टडी पे आप देख रहे हैं ऑन एट इन का एक बहुत शानदार संगम। यहां एक चीज आप देखिए, सिर्फ नाइट है, क्या बोला मैंने, सिर्फ नाइट है, तो सिर्फ नाइट से पहले कभी भी दे का प्रयोग नहीं होगा। नाइट से पहले, और ध्यान से सुनेंगे, नाइट से पहले और नून से पहले द आर्टिकल नहीं आता है, नून और नाइट से पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा, द का प्रयोग कभी मत करना, ये गलत है, ये सिर्फ इवनिंग मॉर्निंग और आफ्टरनून के लिए आता है। लेकिन आप इसमें तो एट सही है और द नहीं आया है, क्यों? क्योंकि एट अगर आएगा तो नाइट के साथ द नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या है, द पुलिस वॉन्टेड टू नो वेयर आई वॉज द नाइट ऑफ मर्डर, तो नाइट तो हो गया आपका क्या, पीरियड, नाइट तो हो गया आपका पीरियड, और ये मर्डर क्या हो गया, इस पीरियड का इंसिडेंट। इसका मतलब बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पूरी रात की, पूरी रात भर, एम आई राइट दोस्तों? आप पता है यहां क्या आएगा, आप बताइए यहां क्या आएगा, यहां आएगा ऑन द नाइट, एट नहीं आएगा, ऑन द नाइट ऑफ मर्डर लिख के ले लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों इस पैटर्न के क्वेश्चन में, एम आई राइट? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं अपन, एक और देखते हैं इसी पैटर्न में, ऑन इनका जेक्स्टा पोजिशन में कहते हैं जब से क्वेश्चन, नीचे चलते हैं, ऑन टाइम वी मेड इट टू द एग्जाम ऑन टाइम, एग्जैक्टली दोस्तों क्या होगा, जब आपके पास पर्याप्त समय नहीं है और बिल्कुल सटीक समय, मैं हिंदी में लिख देता हूं, सटीक समय पहुंचते हो, इसका मतलब आपके पास क्या है, एक ही प्रीपोजिशन है, ऑन टाइम। अगर समय से दो चार मिनट फालतू है तो आपके लिए इन टाइम आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, इन टाइम का मतलब दो चार मिनट फालतू है, ऑन टाइम का मतलब 9 बजे पेपर शुरू, आप 9 बजे पहुंचे, इन टाइम का मतलब 9 बजे पेपर, आप 8:50-8:52 पे पहुंच गए। द ऑर्गेनाइजर्स स्टार्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑन द डॉट, आपको बताइए ऑन द डॉट का मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, ऑन द डॉट का मतलब होता है शार्प, शार्प, और शार्प का मतलब एट 10 एग्जैक्टली, अगर 10 बजे होनी है तो 10 बजे ही होगी ये, आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, एट 10, और शार्प का मतलब एग्जैक्ट, जितनी बजे होनी है वो ऑन द डॉट, और ऑन द डॉट का मतलब होता है इंग्लिश में शार्प। अगर आप बोलो शार्प 10 या बोलो ऑन द डॉट, बोलो बात बराबर है। द क्लॉक टाइम्स ऑन द आवर, एक आवर में क्लॉक क्या करती है, टाइम करती है, यू नो घंटी बजाती है कि घंटे में, राइट? आगे चलेंगे मंथ्स, अब हम प्रयोग करें किसका, इनका, तो एग्जैक्टली हमको थोड़ा सा पैटर्न ऑफ इंक जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। मंथ हम किसका प्रयोग सीख रहे हैं दोस्तों, इनका प्रयोग सीख रहे हैं, हमारा राइट? इनका प्रयोग किसके साथ होता है, मंथ्स, सीजन्स, राइट, ईयर्स, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड जो होते हैं, लॉन्गर पीरियड्स, और एक्सप्रेशंस, इनके साथ में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, एग्जैक्टली इनके साथ। तो जैसे जुलाई आती है, इन जुलाई, इन समर, है ना, ठीक है ना, इन समर, एग्जैक्टली, इन द समर वो कैंपिंग में है, आर्टिकल के हिसाब से आपने, दे आर गेटिंग मैरिड इन जुलाई, दे आर गेटिंग मैरिड
इन जुलाई, द किड्स लव प्लेइंग आउटसाइड इन समर। इन समर का मतलब पूरा का पूरा समर सीजन में आ गया, और इन द समर का मतलब केवल गर्मी का मौसम। इसमें किसका आ गया? इनका। इसमें किसका आ गया? इनका। इसमें किसका आ गया? इनका। दे मूव टू लंडन कब? इन 2005। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक पर्टिकुलर ईयर है और 365 दिन के अंदर कोई घटना होती है, 365 डेज के अंदर अंदर, तो ये अंदर इसके इन में होती है। किसमें होती है? इन में होती है। अलास्का वॉज डिस्कवर्ड इन, अच्छा ये पूरी शताब्दी के लिए सत्र है ना, तो ये इसको आप ये कह सकते हो 1700s। तो इसके पहले तो एक तो द का यूज होगा, और दूसरी बात क्या है, 17वीं शताब्दी इसको कह सकते हो आप हिंदी में, 17वीं शताब्दी उस पैटर्न में इसका आविष्कार हुआ था। तो मे करोगे तो ऑब्वियसली बात है, मे करोगे तो क्या होगा, मे पूरे दशक के लिए, शताब्दी के लिए, सहस्त्राब्दी के लिए, मिलेनियम है ना, और पूरी की पूरी जो अपने सेंटिनियल जितने भी एक्सप्रेशन उनके साथ में किसका होगा, द का यूज होगा इन द। अच्छा उसके बाद में जो लॉन्ग पीरियड है, इन द पैलियोलिथिक एजेस, इन द मिडिल एजेस, इन द स्टोन एजेस, आप समझ रहे हैं, द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन द मिडिल एजेस। इन क्यों आया? क्योंकि पूरा का पूरा एक युग है। अगर कोई सिविलाइजेशन है, कोई सिविलाइजेशन है सभ्यता, तो ये की बहुत बड़े युग की बात होती है, तो है ना, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हो इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसे इन द पास्ट, इन द फ्यूचर है ना, ये आने वाले समय या जाने वाला जो बीता समय, इन द पास्ट आई यूज टू ड्राइव राइट टू वर्क एंड इन द फ्यूचर आई विल बाय अ हाउस, ठीक है ना। तो ऐसे में आप इसके साथ में अकॉर्डिंगली आप किसका प्रयोग कर सकते हो, इन पास्ट, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। तो आप जैसे इसका इनका प्रयोग करोगे, इसके साथ आप बोलना चाहोगे प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि प्रेजेंट क्या है, एग्जैक्ट है। प्रेजेंट क्या है दोस्तों, एग्जैक्ट है। तो प्रेजेंट के साथ आपको क्या बोलना पड़ेगा, एट प्रेजेंट, वहां आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते। मैंने बहुत से लोगों को देखते हुए सुना है इन प्रेजेंट नहीं, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन पास्ट, इन फ्यूचर, द को आप आर्टिकल हटाओ, पर्टिकुलर पास्ट पर्टिकुलर फ्यूचर की बात मत करो, तब भी वही नियम लगेगा। लेकिन प्रेजेंट के लिए क्या लगेगा दोस्तों, प्रेजेंट के लिए ये रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते, तब आपको बोलना पड़ेगा एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग इन रिलायंस, एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग इन रिलायंस या वर्किंग विद रिलायंस, इन अ फ्यू डेज सिल बी बैक, इन अ फ्यू डेज, अ फ्यू डेज एक्सप्रेशन है कुछ एक दिनों के अंदर अंदर, तो यहां क्या आ जाएगा इन, एंड ही इज गोइंग टू कॉल बैक इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स। ये क्या है दोस्तों, ध्यान से देखें, नीचे लिखा हुआ है लॉन्ग पीरियड के अलावा जो छोटे पीरियड के एक्सप्रेशन है उसके साथ भी किसका प्रयोग होगा, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग यहां लिख देता हूं, इन द इवनिंग यहां लिख देता हूं, इन द आफ्टर, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून, इनके साथ भी किसका होगा यूज, इनका होगा, इन 5 मिनट्स, इन एन आवर, इन 6 आवर्स, इन अ फ्यू डेज, इन अ मंथ, इन सबके साथ क्या होगा, इनका प्रयोग होगा। डस यू स्लीप इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, ये यहां आ गया आफ्टरनून में इनका, एंड आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी इन द इवनिंग, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी इन द इवनिंग, राइट, इन द इवनिंग, क्यों, इवनिंग के साथ में भी आपको किसका प्रयोग करना है, इनका प्रयोग करना है। अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन सिखाता हूं जो आपको आज तक किसी ने नहीं सिखाया, हम पीछे चलते इनका यूज का एक डिफरेंशिएट करवाना चाहता हूं आपको, तो उसको जरा सा आप देखने की कोशिश करोगे मेरे साथ। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, प्लीज यहां ध्यान देना आप, है ना, एक क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा, She reached डैश कार, वो कैसे पहुंची, कार, कार क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का एक आपके कन्वेंस का एक फॉर्म है। आप क्या बोलोगे, She reached by कार, ऐसा क्यों हुआ है, ध्यान से सुनना दोस्तों, जब जर्नी ये क्वेश्चन आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जब जर्नी वास्तव में होने वाली हो या हो गई हो, या तो होने वाली हो या हो गई हो या होगी, तो जर्नी, जब आपके वर्ड जो है जर्नी, मैं बोल रहा हूं ना, जो अगर कार में वास्तव में इसमें रीच्ड माने पहुंची, इसका मतलब जर्नी हुई है, किसका प्रयोग करोगे, बाई का। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज करता हूं, ये आप देखना, मिसेस माला इज वेरी, मिसेस माला इज वेरी रिच, मिसेस माला क्या है, बहुत पैसे वाली है,
वेयर एवर, वेयर एवर वो जहां भी जाती है, वेयर एवर शी गोज, वेयर एवर शी गोज वहां वो जहां भी जाती है, शी गोज वो जाती है जहां भी, शी गोज डैश अ कार। अब क्या होगा दोस्तों, अब यहां पर आप बाई का प्रयोग नहीं कर सकते, अब यहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, अब यहां पे इन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या दोस्तों, क्योंकि सिर्फ उसकी हैसियत बताई गई है, हैसियत बताई गई है, उसके पैसे, उसके पैसों का रुतबा बताया गया है, उसके पैसों का रुतबा बताया गया है। मैं पूछता हूं, आप ध्यान से सुनोगे, क्या इस वाक्य में मिसेज माला कहीं गई है? मिसेज माला इस वाक्य में कहीं नहीं गई है। क्यों नहीं गई है? देखिए आप अगर इस वाक्य में देखेंगे ना दोस्तों, तो इस वाक्य में वाकई मिसेज माला कहीं गई है। एम आई राइट? समझ में आ रही है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूं? अगर इसको पैटर्न वाइज अगर लेके चलते हैं अपन डॉट में, तो इस वाक्य में क्या हुआ है, मिसेज माला ने यात्रा की है कार से, लेकिन इसमें मिसेज माला बहुत ही पैसे वाली है, जहां भी जब भी वो जाती है वो गाड़ी से जाती है, तो यहां पर ये बाई नहीं होगा। आपने क्या सीखा मुझसे? आपने मुझसे सीखा इन अ कार और बाई अ कार, बाई कार, बाई के साथ तो ऐसे भी आपको पता आर्टिकल नहीं आएगा, इन दोनों में फर्क क्या है? ये है जर्नी एक्चुअली प्लान्ड और अबाउट टू हैपन, और ये क्या है, जर्नी हैज नेवर टेकन प्लेस, लेकिन बदले में इट्स अ यूजुअल हैबिट, इट्स अ यूजुअल हैबिट, ये आम उसकी क्या है, आदत है या पैशन है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उसका पैशन है। तो कार से जर्नी करना उसकी हैबिट या उसका पैशन है, तब तो किसका प्रयोग करोगे, इनका, जब उसके पैसे की हैसियत दिखाती है, और जब जर्नी वाकई होती है तो बिना आर्टिकल के आप किससे यूज करोगे, कार से। तो ये टीचिंग पॉइंट थी जो आपको नहीं बताई गई किसी ने। ऐसे बहुत से दोस्तों, ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास हैं, अगर आप यकीन मानो तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जानकारी के लिए 72 कितने 72 दोस्तों, मेरा आपसे वादा है वाईफाई स्टडी के इस चैनल पर 72 रूल्स में कंप्लीट इंग्लिश करवा दूं, आपको दोबारा कभी पलटकर झांकने की जरूरत न पड़े। 72 रूल्स में है ना, कंप्लीट लैंग्वेज, कंप्लीट इंग्लिश, 72 रूल से ज्यादा चाहिए ही नहीं, छोटे छोटे आप 72 रूल सीख जाओ, 72 रूल सीखते क्या होगी, आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। बट बेसिकली उसके लिए आपको मैंने बताया ना, आपको इस चीज को आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना, ये आप स्लाइड देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। वाईफाई स्टडी जो है एक चैनल तो ये है ना, इस पे तो नेवी और एयरफोर्स 11 बजे, फिर एनडीएस एफकेट और एनए का सिलेबस, आप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त कोई भी, ये 4 बजे, ये 11 बजे, ये एग्जैक्टली 11 बजे, ये एग्जैक्टली 4 बजे, फिर सीडीएस आपकी रात को 9 बजे, और इस साइड चलोगे डिफेंस के सारे एग्जाम्स जो है वो शाम को 5:30 बजे, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे और वाईफाई स्टडी डिफेंस पे। सिर्फ टाइप करना आपको सुनील सर इंग्लिश, सुनील सर इंग्लिश, वाईफाई स्टडी डिफेंस और वाईफाई स्टडी लाइव, और आपको पता चल जाएगा कि जो बंदा 30 साल से पढ़ा रहा है वो क्या चीज है, और जो बंदा खुद 24 या 25 साल का है, जिसे आपने भगवान बना दिया यूट्यूब पे इंग्लिश का, वो क्या चीज है। कोई भी हो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं सिर्फ एक चीज कह सकता हूं, मैं जब भी इंग्लिश पढ़ाता हूं पिछले 30 साल से, मेरे होठ पर और मेरे कंधे पर माँ सरस्वती साक्षात विराजमान रहती है। दैट इज व्हाट आई कैन से यू, इफ एट ऑल यू ट्राई टू बी यू नो समवन और समबडी हु वांट्स टू स्केल द हाइट ऑफ यू नो एक्सट्रीम जेनिट इन योर लाइफ एंड हु सिंपली रिपेंट जस्ट बिकॉज इंग्लिश इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज और हर कप ऑफ टी, आई एम देयर, सुनील सर इज देयर ऑलवेज टू अबाइड बाई all the basic fences of English language, that is what I can really promise you, have faith in my abilities, and that jo maine aapko bataya hai usko dhyan rakhenge. ab hum chalte hain no preposition ki taraf, kya bola maine aapse, word ki aur dhyan de please, no preposition, ye bhi sabse important cheez hai. pehli baat to isme main aapko ek cheez batau, itne saalon se padha raha hu, theek hai, aapko isme sabse zyada dikkat kahan aayegi, ye likh deta hu main aapko, upar dekh lena, जो नॉन प्रीपोजिशनल वर्ब है, एक तो उसके बाद कभी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, और एक जो है एडवर्ब से पहले, एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा, और नॉन प्रीपोजिशनल वर्ब के
बाद में कभी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ऐसा लेशन आपने शायद इन दिनों कभी बहुत ज्यादा आपने कोशिश की हो तो भी आपको पता नहीं, पढ़ने को मिला नहीं हुआ। ऐसा ऑथेंटिक एक करिकुलम जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, प्लीज उस करिकुलम से आप थोड़ा सा मेरी खातिर, राइट, मेरी खातिर थोड़ा सा आप क्या हो जाएंगे, है ना, थोड़ा सा प्लीज स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूं लास्ट के साथ में कैसे यूज नहीं होता है। लास्ट फ्राइडे, देखिए क्या होता है, आप फ्राइडे से पहले क्या बोलते हो, ऑन फ्राइडे, लेकिन जैसे ही लास्ट जुड़ गया आप प्रीपोजिशन हटा दें, लास्ट फ्राइडे वी वर इन लंडन। ठीक ऐसे ही जैसे लास्ट होता है वैसे नेक्स्ट, दिस, एवरी, टुडे, टुमारो, ज्यादा नहीं है ये, टुडे टुमारो दो ये है, एवरी ये है, नेक्स्ट लास्ट और दिस तीन ये है। आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक, ऑन नहीं आया, इन नहीं आया, क्यों, नेक्स्ट आ गया तो इसका मतलब, और इधर चलिए क्या आ गया, वर्ड घुमा रहा हूं, लास्ट और नेक्स्ट के साथ ऐसे ही, दिस ही इज कमिंग ओवर, दिस 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 के बाद ऑन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दिस, नेक्स्ट, लास्ट, एवरी और टुडे, इनके बाद और टुमारो, इनके बाद में कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। वी वॉच टीवी एट, अगर ये एवरी नहीं होता दोस्तों, ये एवरी नहीं होता तो आ जाता है वी वॉच टीवी एट नाइट, लेकिन एट क्यों नहीं आया, क्योंकि पीछे एवरी घुस गया। टुडे, टुडे इज अ ब्रांड न्यू डे, ठीक है, टुडे इज अ ब्रांड न्यू डे, टुडे क्या है दोस्तों, टुडे नाउन भी है और टुडे एडवर्ब भी है, जिसको नहीं पता हो मैं बता दूं, डिक्शनरी देख लेना, टुडे नाउन भी है और टुडे क्या है, एडवर्ब भी है। यहां टुडे फंक्शन के लिए किसका, एडवर्ब का, टुडे इज अ ब्रांड न्यू डे, कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। सॉरी आई कैंट मीट यू टुमारो, सॉरी आई कैंट मीट यू टुमारो, ठीक है, टुमारो और मीट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। यू भी हटा दे तो भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, सॉरी आई कैंट मीट टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, ये भी क्या है, ऊपर देखें, इंग्लिश अगर आपको थोड़ी बहुत आती हो तो मैं आपको सिखा दूंगा, इस जगह आए क्या है, लास्ट, लास्ट का एक माजा है भाई, है द डे बिफोर यस्टरडे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रीवियस डे या डे बिफोर, शी वॉज इन द हॉस्पिटल द डे बिफोर यस्टरडे, शी वॉज इन द हॉस्पिटल द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। अब यहां पर ऑन या इनका या एट का या इनका किसी का भी प्रयोग नहीं हो सकता। एग्जैक्टली सेम पैटर्न में वी आर फ्लाइंग टू मैक्सिको ऑन टुमारो या द डे आफ्टर टुमारो या फ्रॉम टुमारो, ये जो ऑन प्रीपोजिशनल है ये प्रयोग नहीं हो सकता। इसके बाद सून, सून एक एडवर्ब है, ऊपर बता के गया इसीलिए आपको, कॉल मी लेटर, लेटर भी क्या है, एडवर्ब है, लेटर सून एडवर्ब है, इसकी वजह से नो प्रीपोजिशन, यहां पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आया। दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि जो वर्ब और जो बंदा वर्ब, क्या बोला मैंने, जो बंदा वर्ब में और एडवर्ब में मास्टरी कर लेगा उसको प्रीपोजिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और वर्ड आपका कौन सा, रिसेंटली, चीजों को देखें, रिसेंटली, रिसेंटली माय आईज हैव बीन बॉदरिंग मी, नाउअडेज इसके साथ भी नहीं, नाउअडेज इज अ काइंड ऑफ डिप्रेस्ड, यू नो ही इज अ काइंड ऑफ, ही इज अ काइंड ऑफ डिप्रेस्ड, यू नो एज वी स्पीक They are getting married as we speak. ये phrase है, इसके साथ भी कोई preposition नहीं आएगा। Long ago adverb है, long ago adverb है, adverb के साथ, I knew someone like that long ago, बीच में कोई preposition नहीं आया। We signed the deal a week ago, we signed the deal a week ago, ago की वजह से कोई preposition नहीं आया। और a year from now, इसमें भी on नहीं आया, right? For आया, एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि नाउ जो है वो एडवर्ब का फंक्शन कर रही है, तो यर और नाउन जो दो डिफरेंट वर्ड है, उन डिफरेंट वर्ड की वजह से इस एक्सप्रेशन में ऐसा हुआ है कि अयर, तो ये है, और इससे आगे आपका फ्रॉम नाउ, इसमें एक पैटर्न पहले है अयर फ्रॉम नाउ, अब से एक साल बाद, ऑन का प्रयोग नहीं आया। इसमें क्या, वी साइंड द डील अ वीक अगो, Where will I be a year from now, right? A year from now, exactly. तो now जो है वो आपका यहां इसमें adverb का function कर रहा है। आप सुनील सर के साथ में क्या देख रहे थे? On at इनका एक बहुत ही शानदार pyramidical या एक diagrammatic expression देख रहे थे। सभी exams के मेरे जो daily live test हैं, वो live test channel पे मिलते हैं, और सभी exams के लिए मेरी जो teaching है, वो defense classes के, defense exams के नाम से मिलती है, और सभी बच्चों के लिए जो 9th, 10th, 11th, 12th वर्ड्स की ओर ध्यान देंगे, 9th, 10th, 11th और 12th,
ये चार जो है लॉकडाउन पीरियड में ये बच्चे जो इसका फायदा उठाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने भाइयों को ये कोर्स आपका ज्वाइन करवाएं, और इस उम्मीद के साथ कि आपने ये बहुत दिल से पढ़ा। पैरामेडिकल एक्सप्रेशन में मैं सुनील सर था आपके साथ, और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज मेरी इन क्लासेस को आप ध्यान से रखेंगे जो क्लासेस आपके सामने आई हुई है, और इन सब क्लासेस के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट होकर के मेरे 60 के करीब 60 के करीब अलग अलग शानदार टीचिंग पॉइंट एक्सप्रेशन वाइज एक एक क्वेश्चन के आंसर पड़े हुए हैं, और वो आप सारे के सारे वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड को, भाई बहन, कजिन और अपने जो भी आपके जितने भी क्लोज हैं उनको आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इस उम्मीद के साथ कि मेरी आपकी बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी एंड फॉर बीइंग विद वाईफाई स्टडी। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर सेइंग यू गुड बाय। दिस इज गुड बाय सुनील सर। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।